उपयोग में आने वाली चीजें थर्मोकोल कटर और थर्मोकोल शीट, वुल पट्टी और ब्लेड, प्राइमर पैंट और कलर, पट्टी को मिक्स करने का तरीका। किसी भी प्लेट में कम पट्टी लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं। ध्यान रखें, हमारा पेस्ट ज्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब थर्मोकोल शीट के एक और हमें ब्लेड की सहायता से पट्टी को सिर्फ किसी एक साइड लगाना है। एक घंटे सूखने के बाद इसे दोबारा ऊपर की ओर पट्टी लगाएं, लेकिन इसे बिल्कुल भी सुखाने न दें व तुरंत दीवार या छत पर लगा दें। सीक्रेट यही है दोस्तों, पट्टी को हमें गूंद या चिपकाने के सभी काम में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई फेविकॉल या गूंद की आवश्यकता न। स्पीकर या लाइट के वायर आप दीवार या छत के कॉर्नर से निकाल सकते हैं और उसके ऊपर बचे हुए थर्मोकोल के टुकड़े लगा सकते हैं। इससे वायर ढक जाएगा और सीट को एक और चिपकाने में सहायता होगी। आप देख सकते हैं हमने पूरी सीलिंग में सिर्फ पट्टी और थर्मोकोल ही इस्तेमाल किया है।
आप अपने मनपसंद डिजाइन या शेप बना सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें इससे जुड़ी जानकारी या सवाल पूछ सकते हैं। उसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।